दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बहुत मशहूर कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर ही जाए। दोस्तों ये कहावत आज सोनू मांगचू जी और लद्दाख के तमाम लोग बोल रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं दोबारा बता दूं, वैसे हम अपने हर वीडियो में बता रहे हैं, सोनू मांगचू जी पिछले लगभग 7 दिनों से एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए, एक आमरण अनशन करा हुआ इन्होंने लद्दाख को लेकर। ये लद्दाख पे जो बीजेपी ने अपने कुछ वादे किए थे, जिनके लिए बीजेपी मुकर चुकी है, उन वादों को बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को याद दिला रहे हैं, और उसी के चलते इन्होंने एक आमरण अनशन किया हुआ है। और लगभग आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से ये सिर्फ पानी और नमक पर ही जिंदा है, और अब भूख हड़ताल का, भूख का जो असर है वो इनके बकायदा चेहरे पे दिख रहा है, बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, फेस पे कमज़ोरी दिखाई भी दे रही है, परंतु इनका जोश अभी भी उतना का उतना ही है, वो कमज़ोर नहीं हुआ है। दोस्तों सोनू मांगचू जी ने आज 7वें दिन का जो इनका अनशन है उसके 7वें दिन को ख़त्म होते होते इन्होंने एक वीडियो जारी करी, जिसमें इन्होंने बताया कि आज दूर दूर से करीब कोई 500-600 लोग इनसे मिलने आए, और कई लोगों ने अपने बारे में बताया, कई आर्मी के लोग यहाँ पे आए, और इन्होंने इनकी बातों में ये जाहिर हुआ, और जो लद्दाख के लोगों की बात इन्होंने बताई उससे ये जाहिर हो रहा है कि अब यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आक्रोशित हो गए। इनका आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि सोनू मांगचू ने बताया कि एक कॉमेडियन ने ऐसा भी कहा उनके यहाँ पे कि जब चाइना की फोर्स इंडिया में लद्दाख के रास्ते आती है तो ये लोग उसको रोकते हैं, और बकायदा अपनी जान तक दांव पर लगाए थे उन चाइना की आर्मी को रोकने के लिए, और अगर भारत सरकार का ऐसा ही रवैया रहा लद्दाख को लेकर तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर अगली बार चीन की जो आर्मी अगर इंडिया में आएगी तो उनको भगाएंगे नहीं, बल्कि उनको रास्ता दिखाएंगे। तो इस तरह का आक्रोश इनके अंदर दिख रहा है अब, और मैं ये कहूँगा भारत सरकार से भी कि इनको इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सोनू मांगचू जी का 7 दिन हो गए भूख हड़ताल करते हुए, और खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो उससे पहले हमारी सरकार को कुछ ना कुछ एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, एक कॉन्क्रीट निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हो भी सकता है कि कोई अनहोनी घटित हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भयंकर या कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिले जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए सही ना हो। तो दोस्तों क्या कुछ कहा है सोनू मांगचू जी ने, आप देखिए इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और साथ में मैं उन तमाम दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप सोनू मांगचू जी को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ उसको शेयर भी करें, और शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतने ज़्यादा लोग इनको सपोर्ट करेंगे। तो हमारा यही है कि अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जुले नमस्कार आदाब, ये मेरे 7वें दिन का अंत हो रहा है अनशन का पानी और नमक पर। आज सुबह काफी बर्फबारी हुई मगर अभी तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हमसे, कल 300-400 थे तो आज 400-500 लोग थे, इनमें लद्दाख यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स थे, उसी तरह बार एसोसिएशन के सारे वकील यहाँ आए, भिक्षु आए, भिक्षुणी आए मठों से, और फिर भूतपूर्व सैनिक यहाँ आए, और उन सब में एक आक्रोश की भावना, एक फ्रस्ट्रेशन और बेबसी के उन्होंने यहाँ पर भाषण दिए। एक रिटायर्ड सोल्जर ने तो ये कहा कि वो कई युद्धों में लड़े पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने देखा कि लद्दाख के जो सिविल वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं, जो कि आगे युद्ध भूमि तक बिना कुछ पैसे के काम करने गए, गोला बारूद ढोने के लिए गए, वो सैनिकों से भी बेहतर थे, बल्कि ये कहा एक वाक्य में, भारत से कमांडोज लाए गए जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए मगर वो खुद फंस गए और इन वॉलंटियर्स को उनको बचाना पड़ा। तो ऐसे काबिल लद्दाख के लोग होते हैं इन पहाड़ों में, फिर लद्दाख स्काउट्स का तो कहना ही क्या। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि
जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम, उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रहिमन तागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े घांटी पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकले, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी और जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी, और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत।